हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे एक यूनिक मतलब चैनल लेके आया हूं जिसपे बहुत ही कंपटीशन कम है और इस पर ग्रोथ बहुत ही फास्ट है दोस्तों। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले उस चैनल के ही आपको दिखा देता हूं कि आखिर इस चैनल का ग्रोथ कितना है, और आप भी ऐसे चैनल बना के बहुत ही फास्ट अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी कॉम्पिटिशन बहुत ही लो है। कॉम्पिटिशन तो सब में होता है, लेकिन इसमें सबसे भी कम है। तो इसमें आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं बना के, और बहुत ही अच्छा खासा इनकम यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबूतर हम लिख दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा व्यू है। किसी पर 130 प्लस है, मतलब व्यू यहाँ पर 13 मिलियन। अब यहाँ पर देखिए 15 मिलियन, फिर आपको नीचे यहाँ पर दिखा रहे हैं 18 मिलियन। तो ऐसे कर के इस पर बहुत ज़्यादा इस पर व्यू है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बच्चों वाला कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा अभी के डेट में इस पर ग्रो चैनल मतलब बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है चैनल। तो आप भी ऐसे चैनल बनाए और बहुत ही फास्ट अभी मजा आएगा ना वीडियो। मैं आपको वीडियो को दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको भी ऐसे वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको ऐसे वीडियो क्रिएट करना है। ठीक है, दोस्तों, जैसे कि आपने मैं आपको पूरा इसमें सुनाया कि आखिर ये किस कैटेगरी का चैनल है, आप भी ऐसे कैसे कॉ करके आप अपने चैनल को बना सकते हैं जैसे इसमें, बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किसी चैनल का मैं यहाँ पे अर्निंग आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे गूगल पे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं उस चैनल पर आ गया। ठीक है, अब आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 625 से लेके $10,000 ये पर मंथ का कमाता है, जबकि इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बस स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आप अगर आप ऐसे वीडियो बना के डालते हैं तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा इस पर स्मार्ट वर्क करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर अर्निंग देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना क्रोम पे, क्योंकि आपको अब मैं यहाँ से सिखाऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, जैसे कि से कबूतर, ख से खरगोश। तो यहाँ पे आपको का आ जाना है क्रोम पे। क्रोम पे आ जाने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना कैसे कबूतर लिख के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फोटोज देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपको ख से खरगोश ऐसे करके आपको लिखना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटो आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब चलिए यहाँ से इसको PNG कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फोटो जो डाउनलोड किया है उसको PNG में कैसे करते हैं, तो आपको गूगल पे आके यहाँ पर रिमूवर बीजी लिख देना है, और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में जो आपको दिख रहा है इस पर अपलोड वीडियो पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कबूतर वाला लेके यहाँ पर डन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब डन कर देने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा वेट करते हैं। अब वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे PNG बन चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख गया, इस पर आपको क्लिक कर डाउनलोड कर लेना। अब चलिए आपको अब सब डाउनलोड कर लेने के बाद अब आपको आ जाना है काइनमास्टर पर। काइनमास्टर पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इमेज इस पर क्लिक कर लेना है, आपको कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आके ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, अब ब्लैक ले लेने के बाद मैं इसका टाइम लाइन बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं 19 सेकेंड का या 21 सेकेंड का इसे कर लेता हूँ। तो मैं इसमें आपको सिखाने के लिए बस इतना कम रख रहा हूँ, आप इससे भी बढ़ा जैसे 1 मिनट 2 मिनट के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको जाना है लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर, उसके बाद मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से डाउनलोड पे मैं डाउनलोड किया हूँ बैकग्राउंड ये वाला, इसको भी आप क्रोम से कर लेना। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड आपको मिल जाएगा, जंगल ऐसे करके लिखना आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कर लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कर लेने के बाद फिर से आपको लेयर पर जाना है, यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, यही इस पर जाना है। उसके बाद आपको फिर से मीडिया पर जाने के बाद यहाँ से आपको कबूतर वाला जो पहला है अक्षर क से कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको कबूतर का ले लेना है, उसके बाद नीचे आके यहाँ पर रोटेट पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद फर्स्ट वाला पे क्लिक किया आपको इधर इसका मूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, इसको भी एडजस्ट नहीं कर लेना जितना था। ठीक है, अब इस कबूतर वाला पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए अब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको वैसे बैक आ जाने के बाद आप टेक्स्ट पर जाना है। अब यहाँ से क्या लिखना है, क। ठीक है, क लिखने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद आपको इधर आ जाना है नीचे, ये हो गया। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आउटलाइन का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन, अब इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये ब्लैक हो गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसका थोड़ा सा टाइम लाइन कम किया और भी अच्छा लगे। ठीक है, अब कर लेने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे डबल। अब यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट कर लेना है इसको, उसके बाद इसको नीचे हम लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको इधर, अब इस एडिट पर आपको जाना है, यहाँ से आपको लिखना है क से कबूतर। ठीक है, इसी के जगह पर जहाँ क हटाकर कबूतर आपको लिख लेना है।
अब यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओके का ऑप्शन ये हो गया। अब फिर से इसका भी आपको बैकग्राउंड जो ब्लैक में इसको आपको रेड करना है। नीचे आ जाना है आउटलाइन में, जो जहाँ से किए थे यहाँ पे आउटलाइन पे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेड वाला इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कितना यूनिक दिखने में लग रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से इसको इसका भी टाइमलाइन बढ़ा लेना है जितना पूरा है, यहाँ पे 21 सेकंड का कर देना है। अब कर देने के बाद इसको भी हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कर देने के बाद यहाँ से अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको यहाँ पढ़ना के से क। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट आपको कर लेना है। अब कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले इस पर पॉप कर लेना है, ठीक है, एनिमेशन लगाना है सब पे, कबूतर पे और इस पे जो लिखे कबूतर इस पे भी, सब पे आपको ये पॉप वाला लगाना है। एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन में यहाँ पे ऊपर है फर्स्ट में, यहाँ पे पॉप वाला पे सब पे लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब लगा देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार में सब जैसे के से कबूतर पढ़ेंगे तो सब एक साथ में ही आ जाएगा, तो आपको यहाँ सब पढ़ना है के से कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो वैसे करके आगे भी फिर ख से खरगोश ऐसे करना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है के से कबूतर, तो यहाँ से मैं सबको बारी बारी से कट कर लूँगा। यहाँ इस पर जाकर ट्रिम टू, यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नीचे वाला ऊपर वाला को भी ऐसा ही करेंगे, जो ऊपर आपको दिख रहा है इसको भी आपको सेम करना है, उस पर जाना है, इस पर स्प्लिट कर देना। फिर ये कबूतर वाला है, इस पर भी जाना, उस पर क्लिक करना है, इस पर स्प्लिट कर देना। ठीक है दोस्तों, अब एक तो फाइनल हो गया क से कबूतर, इसके बाद अब ख है। ठीक है, क से कबूतर, तो अब आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी क से कबूतर ही आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको फर्स्ट वाला भी यहाँ पे कोई भी एक ले लेना है, यहाँ से ये भी उतना ही कट कर लेना जिससे क से कबूतर वहीं तक मेरा आवाज़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको बारी बारी से कट कर लेना है उतना ही पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऊपर में जो दिख रहा है कबूतर वाला पे, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रिप्लेस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे चले जाना। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे उस खरगोश का मतलब यहाँ पे इमेज ले लेना है। ठीक है, इमेज लेने के बाद देख सकते हैं दोस्तों उसके जगह पर ये आ गया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इधर इसका मुंह कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पे नीचे आना है, ये कबूतर वाला ऑप्शन इस पे आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये हो गया, अब उस पे डबल टैप करेंगे तो ये खरगोश के जगह, कबूतर के जगह पे खरगोश आपको लिख देना है, तो ये हो गया। अब फिर से आपको ऊपर वाला पे यहीं सही करना है, उस पे डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, ख लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप ख लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं से। तो दोस्तों आप भी ऐसे वीडियो बना के अपने एडिट करके अपने चैनल पर बहुत ही जल्दी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।